हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि एप्पल का न्यू अपडेट iOS 14.4.6 और 5 रिलीज हो गए हैं, तो उनके साथ आपको क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपडेट देखने के बाद आपके आईपैड में काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। देखिए, पहले हम अपडेट से पहले बात करते हैं इसका। देखिए, मॉडल नंबर दिया हुआ है आपको, सीरियल नंबर दिया हुआ है, यह आप नोट कर सकते हैं। और 14.4.2 पर चल रहा है। इसका स्टोरेज है वो 6.6 GB है और मेरा जो कैपेसिटी है आईपैड की वो 32 GB है। देखना ये होगा जब हम इस आईपैड को अपडेट कर लेते हैं तो हमारे लिए स्टोरेज कितना बचता है, इसमें कौन से न्यू फीचर्स आते हैं। इस अब वाले अपडेट में आपको ये साइज 1.08 GB का भी देखने को मिल सकता है, 1.32 GB का भी मिल सकता है। ये आईपैड्स पे पता नहीं अपडेट किस तरह से दिए जाते हैं एप्पल की तरफ से। चलिए हम इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। अब हमारा ये आईपैड है अपडेट हो चुका है। अब अपडेट होने के बाद में देखिए, इसका जो मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर हाँ दोस्तों, इसमें जो अवेलेबल स्टोरेज था वो घटकर 5.85 रह गया है। पहले 6 point something था, तो आप देख ही सकते हैं कि स्टोरेज इसमें घटने वाला है, तो आप चाहे तो अपडेट कर सकते हो। इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी है, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट भी हुई है, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इस अपडेट में आपको देखिए, पहले बताता हूँ मैं क्या क्या मिलता है आपको। एयर टैग एंड फाइंड माई फोन मिलेगा। इसमें एयर टैग वो होता है जैसे NFC डिवाइसेस होते हैं, आप अपने चाबी कहीं खो जाती है तो अपने मोबाइल के थ्रू NFC टैग के थ्रू आप ढूंढ सकते हो। इसमें एमोजीज आए हैं, इसमें सिरी के न्यू फीचर्स आए हैं जो हम डिटेल्स में आगे बात करने वाले हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर प्राइवेसी से लेकर रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगा। आपको एप्पल म्यूज़िक में अब डिफ़ॉल्ट आप दूसरा म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर सकते हैं, प्रॉडकास्ट में, न्यूज़ में, ये काफ़ी जो न्यू फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यू अपडेट में, जिसमें न्यू असिस्टेंट वॉइस है। पहले क्या होता था कि आप अपने असिस्टेंट की वॉइस केवल एक ही रख सकते थे या फिर डिफ़ॉल्ट कर सकते थे दूसरी, पर अब आपको यहाँ पर मतलब मैन के बाद एक वुमेन वॉइस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वॉइस है वो आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो दो वॉइस वोकल हैं, वॉइस फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या होता है, इसमें वोकल में आपको एक मैन है, दूसरा वुमेन है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। पहले क्या होता था कि एप्पल की तरफ से केवल सिरी में एक ही वॉइस आती थी, वो होती थी मैन की, जो कि कंप्यूटराइज्ड वॉइस थी। उस वॉइस में केवल एक ही पर्सन बोलता था जो कि अमेरिकन होता था, इंडियन होता था, उसमें लेडीज़ वॉइस नहीं आती थी। अब जो लेडीज़ लगता है कि आप उन्हें लगता है कि हमारे लिए जो वॉइस प्रोवाइड की जा रही है वो लेडीज़ हो, या फिर जो वॉइस कहते हैं कि सिरी की वॉइस एकदम लेडीज़ होना चाहिए गूगल असिस्टेंट की तरह, तो आप इस वाले अपडेट में इस वाले न्यू फीचर्स का इन्जॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर्स, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है एड न्यू इमोजीज। देखिए, एप्पल ने इसमें इमोजीज ऐड कर दिए हैं, जैसे जब आप किसी को SMS करते हो, ईमेल करते हो, मैसेज करते हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे न्यू इमोजीज जोड़ दिए हैं। एप्पल ने बताया था कि इसमें 150 से ज़्यादा इमोजीज और एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। अब इसमें आपको एक न्यू फीचर सबसे ज़्यादा बेस्ट ये मिला है कि आप कीबोर्ड की मदद से आप डायरेक्टली अब इमोजीज को सर्च भी कर सकते हो, जैसा कि एंड्रॉयड डिवाइसेज में होता है। देखिए, सर्च इमोजीज जो भी आप यहाँ पर टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर हार्ट टाइप किया तो यहाँ पर हार्ट देखने को मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि इस तरह अपडेट मिला था, पहले एप्पल जब हम डिवाइसेस यूज़ करते थे हमें कीबोर्ड में ये वाला फीचर्स नहीं मिला था, हमें इमोजी सर्च करने को नहीं मिलते थे, ये केवल एंड्रॉयड डिवाइसेस में ही देखने को मिलते थे, जो कि एप्पल ने ऐसा करने के बाद ये अपने प्राइवेसी को, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करता जा रहा है, जो कि मेरा दिल काफ़ी जीत लिया इस वाले ने। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स पे। इस अपडेट में देखिए, इसमें इसने ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया है। अब आप इसमें अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हो आपको क्या चीज़ें ट्रैक करनी है, क्या चीज़ ट्रैक नहीं करनी है। बहुत ही शानदार और तगड़े वाला फीचर्स है, तो आप अपने ट्रैकिंग कर सकते हो ऐप का कोई भी सॉफ्टवेयर है अपने हिसाब से। एक नया फीचर्स इसमें रिमाइंडर से रिलेटेड है, इसमें आप इसे और अच्छे से बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इसमें और अच्छे से इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अच्छे रिमाइंडर्स लगा सकते हो, इसकी मदद से आप उसमें कलर चेंज करके अपने रिमाइंडर्स को सेट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके गेमिंग। देखिए, इसमें जो गेमिंग का फीचर्स मिला हुआ, एक्सबॉक्स कंट्रोलर, सोनी PS5 डुअल सेंस वायरलेस कंट्रोल सपोर्ट। पहले क्या था कि आईपैड या फिर जो एप्पल डिवाइसेस थे उसमें सोनी का वो कंट्रोलर
सपोर्ट नहीं करता था, पर एप्पल ने इस अपडेट में वो सपोर्ट करने के लिए इसमें अपडेट कर दिया है। अब आप अपने पबजी गेम को या फिर आप किसी भी जो गेम प्ले कर रहे हैं वो कंट्रोलर की मदद से यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। इसमें आपको मैसेज के बॉटम में कुछ अच्छे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। डिलीटेड मैसेज जो डिलीट नहीं हो पाते थे, स्टिल रह जाते थे, वो अब परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। और भी इसके साथ काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट कर दी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए हैं रोज़ाना, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपका कोई फिर भी सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे नीचे जाके डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल सवाल हो तो कमेंट ना करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी ही नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लाएँ और अपनों के साथ रहें। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।